तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। गाड़ी का आप लोग फ्रंट से कंप्लीट लुक देख सकते हैं। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट की रायपुर में तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा 5,30,000 रुपीज के आसपास। ये VXI वेरिएंट आप लोग देख रहे हैं मारुति एस्प्रेसो का। एंड ये है गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट से लुक। यहां पर आप लोगों को फ्रंट में ब्लैक फिनिश में ही ग्रिल देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर। सुजुकी का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिश में। बिग साइज क्लियर लेंस हेलोजन हेडलैम्प आते हैं, फिर टर्न इंडिकेटर बल्ब एंड पार्किंग लाइट। नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लैकआउट बम्पर देखने को मिलता है। बिग साइज रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलता है बेहतर एयर इनटेक के लिए। और यह है गाड़ी का साइड से लुक। गाड़ी का जो बोनट है आप लोगों को काफी हाइटेड देखने को मिलता है, तो गाड़ी चलाने में प्रॉपर SUV फील जरूर आएगी। एक वॉशर मिल जाता है 2 वाइपर के साथ। ये गाड़ी उन लोगों के लिए जो कम बजट में एक SUV का फील लेना चाहते हो। और यह है गाड़ी का साइड से लुक। 3.5 मीटर की लेंथ मिलती है और 1.5 मीटर की हाइट। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। सेफ्टी के अंदर ड्यूल एयरबैग्स, ABS, EBD, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर ऑफर करती है गाड़ी। कंप्लीट आप लोग लुक देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी का साइड से। ब्लैक फिनिश में ही मिलते हैं आउटसाइड ORBM। साथ ही में जो डोर हैंडल है वो भी आप लोगों को ब्लैक फिनिश में ही मिलते हैं VXI वेरिएंट में। फेंडर में मिल जाता है टर्न इंडिकेटर। और ये है इसके 14 इंच के स्टील रिम विद व्हील कैप। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं गाड़ी के अंदर। मैन्युअली आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा ORBMs को। ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है रूफ में। शार्क फिन एंटीना नहीं आता गाड़ी के अंदर। और यह है गाड़ी का बैक से लुक मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का। यह सिल्वर कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा व्हाइट, ब्लू, ऑरेंज, रेड एंड ग्रे कलर का भी ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर। कंप्लीट आप लोग यहाँ पर लुक देख सकते हैं गाड़ी का बैक से। हेलोजन ही आप लोगों को यहाँ पर जो पीछे की टेल लैंप है वो देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आती है AGS में। 27 लीटर की यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है गाड़ी के अंदर। और ये है इसके पीछे की हेलोजन टेल लैंप। नीचे की तरफ ब्लैकआउट बम्पर देखने को मिलता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं बम्पर में रिफ्लेक्टर के साथ। और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप। एस्प्रेसो की बैजिंग मिल जाती है ट्रंक के अंदर। और आइए गाड़ी का बूट ओपन कर लेते हैं यहां से अंदर से ही। की से भी आप लोग जो गाड़ी का बूट है उसको ओपन कर सकते हैं। और आइए गाड़ी का बूट अब ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं वहां कितनी स्पेस ऑफर करती है गाड़ी। तो यहां पर आप लोगों को मिल जाती है 240 लीटर की बूट स्पेस। काफी डीप यहां पर आप लोगों को बूट स्पेस मिल जाती है। काफी सारा लगेज आप लोग रख सकते हैं यहां पर। इसको उठाएंगे तो इसके नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है विद टूल किट। सेकेंड रो की सीट को आप लोग कंप्लीटली बेंच फोल्ड कर सकते हैं यहां से इस लीवर की मदद से। और चलिए अब गाड़ी का बूट मैं यहां से क्लोज कर लेता हूं। और आइए अब गाड़ी के पीछे के पैसेंजर सीट गेट का लुक खोल के देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है डोर में। पावर विंडो नहीं मिलती पीछे के डोर में। मैनुअल आप लोगों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा विंडो को। ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल मिल जाता है गाड़ी के अंदर। प्लास्टिक आप लोगों को यहां पर मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी के पीछे की सीट। फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं आप लोगों को गाड़ी के अंदर 2। लेगरूम आप लोग देख सकते हैं गाड़ी के अंदर डिसेंट देखने को मिलता है अगर इस सेगमेंट से कंपेयर किया जाए तो। ये वाली सीट पूरी पीछे है, उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं स्पेस मिल रहा है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। पीछे की सीट में 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक पीछे की सीट से। यहां पर किसी भी तरह की रीडिंग लैंप देखने को नहीं मिलती गाड़ी के अंदर पीछे की अगर बात करें तो। और डोर की ओपनिंग आप लोग देख सकते हैं काफी वाइड ओपन होता है गाड़ी का डोर, तो गाड़ी में अंदर जाने में या बाहर आने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। काफी इजिली आप लोग इन एंड आउट हो पाएंगे गाड़ी में। और आइए अब गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक खुल के देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक। ये भी काफी वाइड ओपन होता है जो फ्रंट का डोर है। नीचे की तरफ यहां पर आप लोगों को बॉटल होल्डर मिल जाती है ब्लैक फिनिश में। डोर हैंडल मिलता है, स्पीकर मिल जाते हैं फ्रंट में। और ऐसे कुछ दिखते हैं गाड़ी के पेडल्स। यहां से इसकी हेडलैम्प का आप लोग लेवल एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की फ्रंट की सीट। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट देखने को मिलती है ड्यूल टोन फिनिश में।
और चलिए अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, डोर को क्लोज कर लेता हूँ। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की कीज, जैसे कि आप लोगों को मारुति की सभी गाड़ियों में देखने को मिलती है मिडिल मॉडल्स में। एंड ये इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होने के बाद आप लोग इसका कंप्लीट लुक देख सकते हैं। यहाँ पर ऑरेंज फिनिश में ही आप लोगों को यहाँ पर जो बैकग्राउंड की लाइट का थीम दिया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। डिजिटल आप लोगों को स्पीड बता देगा, ट्रिप भी गाड़ी का आप लोग वहीं से एवरेज देख सकते हैं। गाड़ी में अंदर बैठने के बाद बोनट दिखाई देता है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी चीज है। टू डिन का यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, यूएसबी एंड ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा वो, साथ ही में ऑक्स को सपोर्ट करेगा एंड एफएम रेडियो को। और ये फ्रंट पावर विंडो की कंट्रोल मिल जाते हैं, हजार्ड लैंप का स्विच दिया गया वहीं पर। और यहां पर नीचे की तरफ मिल जाते हैं आप लोगों को एसी के कंट्रोल, मैनुअल एसी मिलता है विथ हीटर। एंड यहां पर भी काफी स्पेस मिल जाती है। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है दो कप होल्डर के साथ। और यह है 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, आप लोगों को एजीएस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। और जो गियर के थ्रोज हैं वो आप लोगों को यहां पर काफी लाइट देखने को मिलते हैं। यहां पर भी काफी स्पेस मिलती है डैशबोर्ड के अंदर, ग्लब बॉक्स में आप लोगों को डिसेंट स्पेस प्रोवाइड करती है गाड़ी। फ्रंट में आप लोगों को यहां पर ड्यूल एयरबैग्स मिल जाते हैं। जो कॉर्नर के एसी वेंट्स हैं वो राउंड शेप में मिल जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाइपर के कंट्रोल हो गए गाड़ी के। स्टेयरिंग व्हील आप लोगों को यहां पर फिक्स ही देखने को मिलता है, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की VXI वेरिएंट में। इसके ऊपर एक VXI प्लस वेरिएंट भी आता है, जिसमें और भी फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन, और भी कई सारी चीजें। उसका वीडियो भी जल्दी आएगा चैनल में। तो आइए गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं गाड़ी का इंजन, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का। तो यह है दोस्तों 1000 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करेगा 67 bhp की पावर एंड 90 nm ऑफ टॉर्क। 27 लीटर की यहां पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 21 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। काफी रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। यहां पर ऊपर बोनेट में पैडिंग देखने को नहीं मिलती यहां पर किसी भी तरह की कवरिंग। एंड यहां से आप लोग इसमें डाल सकते हैं वाइपर एंड वॉशर फ्लूइड। और चलिए अब मैं गाड़ी का बोनट क्लोज कर लेता हूं यहां पर। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।